से खूब यूट्यूब में खूब फल फूल तो और जल्दी से जल्दी मी 12000 साइड बढ़ाए दन तिल मुन्ना के फॉलोवर बढ़ जाए सब्सक्राइबर हो जाए बहुत अच्छी बात है फिर तो लाख रुपए कमाए तो चलिए दोस्तों, आज हो गई है 19 तारीख और जैसे कि आप सभी को पता है आज है रक्षाबंधन। तो भाई बहनों का एक ऐसा त्यौहार जिसमें एक भाई और एक बहन का अटूट बंधन होता है, यानी कि बहन अपने भाई को राखी बांधती है। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी भाई बहनों को। मैं महेश भंडारी अपने पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और दोस्तों यही बोलना चाहूँगा, जिस प्रकार आप सभी लोग अपनी बहनों की इज्जत करते हो, अपनी बहनों की सुरक्षा चाहते हो, उसी प्रकार भाई लोगों आप दूसरे की बहनों की इज्जत करना और दूसरे की बहनों की सुरक्षा जरूर करना। तो ये सुविचार इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि ये एक धागे का बंधन नहीं है, ये एक भाई बहन का अटूट बंधन है जिससे एक भाई और बहन का रिश्ता आगे बढ़ता है। तो चलिए जी दोस्तों, इसी खुशी में एक प्यारी सी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हालचाल है आप लोगों के? आशा उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो मैं महेश भंडारी आपसे लूंगा एक बार फिर से अपनी इस प्यारी सी वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। भूमि उत्तराखंड के खूबसूरत वादियों से और खूबसूरत नज़ारों से और अपने छोटे से गाँव से, जहाँ से दोस्तों मैं आपके लिए लगातार वीडियो बना के लेके आता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आज का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। तो अभी थोड़ी देर पहले बहुत तगड़ी बारिश हुई थी, तो उस टाइम देखिए आप लोग ऐसा मौसम हो गया था। इसके बाद फिर से धूप लगना चालू हो गया है। कुछ टाइम पहले मुझे स्कूल के टाइम से कुछ बहनें मुझे राखी बेचती थी, इस बार तो अभी आई नहीं, पर जैसे ही आएगी आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो अभी चाचा जी की लड़की आई है दिल्ली से और मेरे चाचा जी की लड़की आई देहरादून से, तो दोनों मेरे से राखी बांधने वाली हैं। इसी खुशी में दोस्तों आप लोगों को एक बार फिर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये भी है, ये भी धूप नहीं करी, आरती कर दी है। चलो यार, तू बिना धूप की आरती कर दी। बस ये सही चाहती है, बिग बॉस चाहते है क्या है यार? मोहित तो छूता है, मोहित तो छूता है, ये ले ये ले। वो तो उसने कर दी काम, ये खोल के ये परी की, अगर उसने ऐसे खोल दिया ना कि बनेगी नहीं दोबारा, ये एक और ये एक दिखाओ जरा, कोई एक रखो, कोई एक। ये दोस्तों अभी के टाइम पे राखी बांधी जा रही है। गल से मम्मी हो, गल से हो, गल दिखाओ ना। इसके लिए तो भद्रा है, और जब बच्चे होली खेलते हैं उसके लिए भी तो कुछ होगा, और जब दिवाली होती है तो उसके लिए पहले, हाँ पहले टीका लगता है। ये मम्मी खुशी मना, मम्मी खुशी मना, ये नहीं ना ठीक है। अरे इधर बड़े बहुत थोड़ा सा आपकी राखी आपकी देखो, मैं भी लाऊं ठीक है यार, मैं ये अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं लगता है। ये धूप कैसे भर गया? खमचा गूंद पड़ा होता है। चार तूने बोलता तभी तो मैं बाजार गया था, याद आया
आज तो छूना ही पड़ेगा तो आज से मेहमान डेरे पे करेक्ट पौड़ी में कहते कि दिखा दिला दे जब तेरे जो खड़े हो जाए क्या हो जाए मैं राग महामार भाई तो राजी खुशी रख यहाँ भगवान करे तो सब अच्छी जिंदगी बीते राजी और है ना हमारी मुन्ना के फॉलोवर बढ़ जाए सब्सक्राइबर हो जाए बहुत अच्छी बात है फिर तो लाख रुपए कमाए इले मुन्ना थोड़े एक सुनो और पैर दा तेरे बनी जा फिर तो ये वाली भी बांध लिया अबे सेम ये लोग अपनी दीदी को और वो क्या बोलते हैं उसको शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई आपको साथ में हमारी भगवती को भी सब आशीर्वाद तो बड़ी बहन आशीर्वाद ही होना चलो चलिए दोस्तों मैंने भी राखी बंधवा ली है दोनों दीदियों ने मेरे भी राखी बांधी है तो आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे दोस्तों मैंने अभी पहले ही बोला था कि जिस प्रकार आप लोग अपनी बहनों की इज्जत करते हो उसी प्रकार आप दूसरे की बहनों की इज्जत जरूर करना और दूसरों की बहनों का मान सम्मान जरूर रखना। तो मेरी खुद की अपनी मतलब अपनी सगी बहनी तो चाचा की लड़कियों ने मेरे भी राखी बांधी है बहुत अच्छा लगा। तो इस बार जो पहले स्कूल के टाइम से बहनें राखी भेजती थी इस बार उनकी राखी नहीं आई। अगर वीडियो देखेंगे तो जरूर राखी बाद में भेजना पर मैं बांधने के लिए तैयार हूँ। तो अभी के टाइम में बारिश लग चुकी है राखी रूखी बांध ली है अब घर के जो काम है उनको करता हूँ जल्दी से। तो जैसे कि आपको पता है कल से माँ जा रखी है देहरादून तो अभी के टाइम पे मुझे घर का सारा काम करना है। तो आपको एक बार पुनः रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मिलते हैं दोस्तों कुछ देर बाद। हाँ देखिए दोस्तों एकदम अभी अभी अचानक मौसम बदल गया है बारिश लग चुकी है और चारों तरफ धुंध लगी हुई है ये देखिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो कुछ इस प्रकार का मौसम हो गया इतनी जल्दी। दोस्तों राखी बांधने के तुरंत बाद मुझे निकलना पड़ा है घास लेने के लिए फिर से कली वाला काम। तो क्योंकि ना माँ तो है नहीं घर में तो घास मुझे ही काटना है तीन चार दिन तक तो घास भी ख़त्म हो गया है और बारिश लगी हुई है और साथ में ना दोस्तों बता दूं आप लोगों को बाघ का खतरा और बढ़ चुका है। कल रात को फिर से मुझे ना रात को बाघ दिखा है गाँव के बीचों बीच खेतों में तो बाघ का खतरा भी बहुत ही बड़ा हुआ है तो इसे जल्दी से घास लेके आ लेते हैं। हाँ देखिए दोस्तों जो घास है ना पूरा ऐसा गीला हो रखा है और इसमें काटने में मुझे बहुत दिक्कत होने वाली है। तो देखिए आप लोग कुछ ऐसा छोटा छोटा घास है जो कि गायें खाती हैं तो पहले इसे काट लेते हैं जल्दी से। तो चलिए दोस्तों यहाँ देखिए कितनी जल्दी मौसम बदल जा रहा है पहाड़ों में देखिए देखिए एकदम अभी बारिश लगी हुई थी अब धूप लग चुकी है इतनी खतरनाक देखिए आप लोग। तो पहाड़ों का मौसम है बहुत जल्दी बदल जाता है। तो अभी के टाइम पे दोस्तों मैं आया था घास काटने के लिए जो कि मैंने काट लिया है तो इतना घास काफ़ी है क्योंकि चार पाँच मैं कल भी ले गया था पूले या चार पाँच आज यहाँ से देखिए दोस्तों गाँव का नज़ारा किस प्रकार से दिखाई देगा आप लोगों को चहल पहल है क्योंकि आज है रक्षाबंधन तो सभी भाई बहन घर आए हुए हैं। बाकी इधर की साइड दिखाऊंगा ना आपको गांव में तो आज है ताई जी की बरसी तो खाना बनाया जा रहा है तो पूरा गांव के लिए खाना है तो साथ में अभी उनके कुछ लोग आए हैं मेहमान लोग तो एक गांव का नज़ारा है जी। दोस्तों अभी के टाइम पे मैं जा रहा हूँ गायों के साथ सार पे और मेरे साथ है शेर जो कि मेरा बुक्या है तो उसे लेके जा रहा हूँ उधर चराने के लिए। बाकी सुबह से तो गायें चली गई थी तो उसके बाद मैं घास लेने चले गया था तो अभी के टाइम पे चलते हैं। तो आज गांव में खाना भी है वहाँ नहीं जा पाया क्योंकि ना पहले मुझे गायों के साथ जाना है सुबह से मैंने गायें छोड़ रखी हैं तो पहले उधर चलते हैं। फूफू जी भी आ गई हैं नमस्ते। अच्छा वक्त जाना था बर्स खाऊँ बर्स खाऊँ जा 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 गोर। तो दोस्तों आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ हरिंदर सानी यूट्यूब चैनल में एक बहुत ही बढ़िया गढ़वाली फिल्म मार रखी है शॉर्ट टू रूनी ना रे भाग टू। इससे एक मैंने पहले इसी चैनल में एक गढ़वाली फिल्म आई थी तू रूनी ना रे भाग वन तो दोस्तों दोनों मूवी जरूर देखना है। हरिंदर सानी यूट्यूब चैनल में जाके मैं साइड में फ़ोटो भी दे रहा हूँ नीचे से डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी गढ़वाली फिल्म है दोनों को ज़रूर देखना। भाग वन में मैंने काम भी किया है भाग टू को जब मैंने पूरा देखा ना दोस्तों एंड तक तो दोस्तों सच में बोलूँ बहुत ही अच्छी गढ़वाली फिल्म है बहुत ही अच्छी आप लोगों को लगेगी। तो भाग वन और भाग टू को ज़रूर देखना दोस्तों। भाग वन में मैं आपको बता देता हूँ भाग वन में हुआ ये कि लड़के के माँ बाप मर जाते हैं दीदी की शादी हो जाती है
और भाग टू में मैं आपको अभी बताऊंगा नहीं, जरूर जाके देखना, बहुत ही अच्छी है। उसका जो दोस्तों एंड वाला पार्ट है ना, मेरे को सबसे अच्छा लगा, तो जरूर जाके देखना। देखिए दोस्तों, आज हमारी गायें यहाँ चर रही हैं और अभी के टाइम पे अम्मू चरा रहा था गायों को, तो अम्मू की एक वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रही है, है? तो देखिए हमको आज भजनान जितवा का देवी कुंजापुरी में। तो दोस्तों अभी अम्मू की वीडियो बहुत वायरल हुई थी देवी कुंजापुरी में यहाँ वाला ना, वही तो मैं हूँ गायों के साथ आया हुआ, बाकी इससे पहले भाई लोग थे तो साथ में अम्मू भी था, तो भात खाने लगी अब जान। अच्छा खूब यूट्यूब में खूब फल फूल तो, और जल्दी से जल्दी मी 12,000 एक साइड बनाए दन तिल 12,000 मी भी दियो चे वामा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ब्राह्मणों को दिया जाता है खाना, तो ये देखिए आप लोग चले अंगीर ब्लॉगर देख दी। तो दोस्तों लगभग टाइम हो चुका है 5:30 और आपको पता होगा कि आजकल पहाड़ों में बरसात का सीजन शुरू हो गया है, तो यहाँ देखिए एकता और भाई बूट रहे हैं यहाँ पर मुंगरी। हाँ देखिए दोस्तों, भाई और एकता भाई यहाँ पर दोनों के दोनों यहाँ पर मुंगरी बूट रही हैं, यानी कि देखिए आग में, यानी कि मक्का और साथ में कुहूँ। क्या ये है? तो दोस्तों आजकल पहाड़ों में मुंगरी का सीजन है, देख सकते हो आप लोग आराम से आग ला के और मुंगरी को ऐसे बढ़ाया जाता है जैसे भाई और एकता बढ़ा रही हैं, और ऐसे बढ़ा के मतलब खाया जाते हैं। हम बैठे थे मुंगरी खाने और ये भी आ गया खाने के लिए। बहुत स्वादिष्ट हो रही है, नमक और नींबू डाल। आग जगाने में तैयार नंबर, कोई मदद नहीं कराई पर मुंगर खानो है क्या कौन खानो जब बार आप ये घुमा के लागे ना भैया। हैं अम्मी बाली हो गए हैं भाई, अक्टूबर बाली जाएगा घुमाने।